अस्सलाम वालेकुम पीपल। तो हमारी अब सऊदी में जर्नी शुरू हो गई है एंड पिछले अराउंड 17 घंटों से हम रोड पे हैं, है ना मम्मा? कैसा लग रहा है इतनी देर बैठ बैठ के? अच्छा लग रहा है बैठ के। तो हम लोग सब तीनों ही पहली दफ़ा ही आए हैं एंड यहाँ पे कोई स्टोर है, बकाला बोलते हैं ना इसको, बकाला कहते हैं ना नोमी, क्यूट। लेकिन इनके प्राइस मुझे पढ़ने नहीं आ रहे, 3x75। और ये 11 क्या है? आई हैव नो आइडिया। क्या 11? कोई आइडिया नहीं। 150? आई थिंक ये 1 रियाल 400 है ओमानी। 14 रियाल। 14? हाँ नाइस। यहाँ पे ओमान चिप्स है आई थिंक 150 पैसे की। ओमान में 50 पैसे की मिलती है यार। मेरे घर वालों को मेरे पे शदीद गुस्सा चढ़ा है, लेकिन ये मेरी आदत है यार। मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे कीड़ा होता है देखने के लिए कि ये सारी चीज़ें देखें। जैसे वो मान में काफ़ी अर्से से मैंने स्ट्रॉबेरी मिरिंडा नहीं देखा। इन लोगों ने लड़ लड़ के मुझे वापस बुला ही लिया है। सती सती सी हूँ। हमने सिर्फ 2 पानी लिए हैं। जो भी माई दुबई की जगह, पता नहीं क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, खाना खाना। ओ माई गॉड, मेरे पानी सारे मानी मुझे हाँ नहीं बुलाते हैं। ये पुलाव जो मम्मा घर से लाएंगी, ये दाल हमने यहाँ से ली है। और चिंगेरे चेक करें, लग रहा पाकिस्तान में हूँ। पाकिस्तान में आ रहे कि नहीं, अपनी वाली आदत पड़ गई है, मतलब सोने की। मैं कहीं भी सो जाती हूँ शाम से, ये बंदा मेरे सोने को नजर लगा रहा है। और अब मेरी गर्दन में लेट के दर्द हो रही थी, इधर देख पनौती। और अभी ये लोग कह रहे हैं अब तू नहीं सोएगी, हम सोएंगे। मैंने कहा गाड़ी में तुम्हारी जगह नहीं होगी, अब हमारी। अब देखना गाड़ी में मैजिक मैं करूंगी, अबड़ाबड़ा फूंक और खराटे। क्यों नहीं तुम सारा दिन सुबह? तो मैं वो सीट पे कर लूंगी, आप लोग पीछे ले। शक्ल कैसी होगी मेरी, चेक करें। कोई 17-18 घंटों के बाद जाके मुझे भी लोगों की ऐसे निशानी पता चली हो कि यहाँ कोई जिंदा लोग रहते हैं। मैं मस्कत में सिर्फ इसलिए सोई थी कि मैंने मस्कत देखा है और मैंने ये जगह नहीं देखी हुई। और यहाँ पे मैं उठी रहूँगी। इस टाइम पे सारी बस सो रही थी, लेकिन मैं उठी हुई बाहर खिड़की से देख रही थी। इसका बहुत बुरा हाल हो रहा है बेचारे का, इसकी टांगें भी पूरी नहीं आती। घर का टाइम हो गया और हम लोग यहाँ पे स्टॉप पे उतरे, क्योंकि ड्राइवर ने सोना था। और सरप्राइजिंगली यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, समहाउ थोड़ी ठंड ठंड सी है यहाँ पे। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम चाय लेनी है, कहाँ से लें। नोमी का ब्रश मेरे हाथ में, यहाँ पे थोड़ी सी दुकानें हैं और थोड़ी सी वहाँ पर है। क्या बेतुल और रेड वेलवेट तिरामिसू, कितनी अच्छी कहवे की खुशबू आ रही है यार। सीटिंग एरिया चेक करें, यहाँ पे अभी मैं लगाऊंगी थोड़ी सी और आंख। हादा लोटस बात स्वाहिद लोटस, मेरा ये सब भी खाने का दिल चाह रहा है, लेकिन मुझे पता है मुझे अच्छा नहीं लगना। हमारी बेचारी मामा मस्जिद के पास बैठी है और उनकी बड़ी शर्म औलाद मतलब मस्जिद के अंदर बैठी है। मामा के पास नेट भी है, नेट भी हम दोनों के पास है। और मस्जिद वो उसकी बैक साइड है, ये जो लाइटें नजर आ रही है ना, इसकी बैक साइड है। और उनकी माँ की ढीठ औलाद यहाँ पे खड़ी खा रही है। और ये देख अरबी रस। ठीक है, हमारे मम्मा को मैसेज कर रहे हैं, मम्मा अगर आप सोई नहीं हो, क्योंकि हमें रूमिंग चार्जेस पड़ेंगे, तो टेक्स्ट मैसेज ही एक कर रहे हैं कि अगर आप सोई नहीं हो तो बाहर आओ बस के पास। ओह इतना सॉफ्ट है ना ये, अब सुकून मिलेगा कोई ही है। हाय अल्लाह, बड़ी ज़्यादा देर के लिए इस औरत को हम जाके लेके आए हैं, सीधी लेटी हुई। हाँ ये बेचारा ये वहाँ जाके खड़ा हुआ था, फिर इसने मुझे मैसेज किया आज सिर्फ मम्मा की सिम में नेट नहीं है, हम दोनों के पास नेट है। और हम लोग कब से खड़े हुए हैं, क्या करी थी? हाँ लंबी तान के सोई हुई थी, सोने नहीं थी। वहाँ पे एक और ग्रुप आ गया, तो वो इतना शोर मचा रही, वो भी ओमान का ही था। बंगालन कहती है छुई मम्मा छुई है उसको, किसी को जी अगर आप उठे हुए हो तो बाहर आओ। मैंने कहा मेरा फोन दे आसरा है, कोई जरूरत नहीं आपको, हम आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, तो आप अपने फोन का ध्यान। इसका नाम आज मोनी डक गई है, अक्के पड़े ये दोनों बेचारे। और मैं इनको कह रही हूँ उतर के क्यों सोना है,
उतर के क्यों, हम जब वापस बस में बैठेंगे तब सोएंगे। इस बेचारे के घुटने अगले वाले की खुत्ती में घुसे होते हैं, घुटने। इनको मम्मा पैसा बुरी कहती, मैं बोता ऊंची बोले आते बुरी बात ते कौश नहीं कौश नहीं जिन्हें लोर नहीं वेखिया हो जमे ही नहीं। ये स्माइल क्यों कर रहा है टाइप करता करता मामा मामा केड़ी मां नाल लग गया नु वेखो ये देखो बातें घुमा रहे हैं मामा मामा की आंखें अब तुम्हारे फोन पे अटकी तूने भी प्राइवेसी लगाया हुआ है यार। धूप निकल आई है फिर भी यहाँ पे इतना अच्छा ज्यादा टेम्परेचर है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही। 19 है अच्छा ज्यादा टेम्परेचर है 19 डिग्री का। करें ये ओमानी, ये कल्चर है ओमानियों का, वहीं पे बैठ के ये मजा आता है, कहवा पी रहे हैं। ठंडी इतनी ज्यादा है यार, हम बेचारे ओमान से आए हुए लोगों के लिए। हाँ मैंने अपनी गाड़ी भेज दी है ठीक है रोल्स रॉयस। मुझे ठंड बर्दाश्त हो रही है लेकिन मेरी नाक और मेरी सांस से ठंड नहीं बर्दाश्त होती। ये मुझे क्यों लग रहा है कतर का? अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं खाया गया। मैं तो यहाँ से शवरमा लेने आया है, शवरमा मैंने बोला लेकिन शवरमा नहीं है, तो अभी मैं खाऊंगी फलाफल। तो उससे मेरे उसने सैंडविच में ना खीरा डाल दिया, और खीरा मुझे अरबी में कहना नहीं आता और इंग्लिश में उसको समझ नहीं आती। मामा खीरे को अरबी में क्या कहते हैं? खयात खयार मैं उसको जाके बोलूँगी वो भी ना डाले। ये है एक सेवनर जो बिल्कुल पाकिस्तानी वाइब दे रही है मुझे, लेकिन इसके ऊपर सऊदी रियाल लिखा हुआ है। किम किसारियाल शुक्रान। हम ओमान से आए हैं, ओमान चिप्स हमारे साथ जाएगी, हम जा भी जाएंगे। अंडा मैंने निकाल दिया, उसके अंदर हम डालेंगे ओमान चिप्स। चेक करें चेक करें, मैंने इनको बोला था कि प्राइस ज़्यादा डालना, उन्होंने इतनी ज़्यादा डाल के दिया ना, बेस्ट अंकल भैया। घर वाले मेरा सारा खाना, हमारी पूरी पैंट्री उठा के ले आए, ये चेक करें। वो शेफ नोमी वहाँ खड़े हैं, कह रहे ये फेमस सैंडविच बनने लगे हैं, खुब्स के ऊपर जिबन और जिबन के ऊपर डलेगी ओमान चिप्स। ये ले लो मेरे पास है फिल। रियल गेम सीन्स कुछ ऐसे हैं, इसी ये तो पैसे लू लू। और मम्मा ने भी अपना बना लिया। मम्मा आपको डालना है, ये डाल लिया ना आपने? कैसा फिर कैसा, मुंह पे भी लग गई आपके और मेरे हाथों में भी लग गई है। सुने नहीं गाना नोमे? नोम इज ऑन डाइट, इसकी सुपर रिंग पे मेरी नज़र है, मैंने अपनी खा ली है। दिखा दिखा सुपर रिंग दिखा, अभी तू सोएगा तो ये गायब हो जाएगी। ये हमारा कीमा जो कल मैंने ब्लॉग में दिखाया था, दोबारा से वो अंकल ने क्या तड़का लगा के दिया, गोश्त है लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पकड़ते मुझे डर लग रहा था। लोग माशाल्लाह माशाल्लाह उम्रे के लिए यहाँ पे आते हैं, तो अभी हम जाने लगे हैं बस में। और नोमी पहुँच गया होगा ना, नोमी लड़कों वाली साइड पर था, हम लड़कियों वाली। हमारी बस का इंजन क्यों खुला हुआ है माँ? मुझे लगता है हवा लगा रहा है। बहरहाल आवाज सब आपको आ नहीं रही होगी, बस में बैठते हैं और बस शुरू करते हैं सफर। तो मैं और मम्मा नमाज पढ़ के आए हैं, हम लोगों ने पहली दफा जोहर और असर साथ पढ़ी है, क्योंकि हम सफर में हैं तो हमारी नमाजें छोटी हो गई हैं। ये बेचारा अकेला जा रहा होता है, फिर हम निकलते हैं इसको ढूंढते हैं। लकीली हमारे पास DCC का डेटा था, हमारे जो भी पैकेजेस लगे हुए हैं ओमान में वो सऊदी में भी चल रहे हैं। यार बॉर्डर शेयर करते हैं ये लोग, पता नहीं मक्का में चलते हैं कि नहीं चलते। खैर मक्का से हम अभी 250 किलोमीटर दूर है। आप लोग कहेंगे यार इतनी बातें करिए, चलो बस चलते हैं, रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। अब तो सोची थी व्लॉग नहीं करूँगी, लेकिन मैं क्या करूँ यार, अभी बहुत लंबा सफ़र है, पढ़ भी लिया आज तो मम्मा के बिना, क्या बिना के कुरान पकड़ा था मैंने, कुरान भी पढ़ा, नमाजें भी सारी पढ़ रहे हैं, जो हमें सबक वगैरह दिया है उन्होंने वो भी पढ़ लिया, सफ़र की तस्बीहां भी पढ़ ली, दुरूद पाक की भी पढ़ ली, तीसरे कलमे की भी पढ़ ली। तो अब भी मैंने सोचा कर ही लेते हैं यार साथ साथ व्लॉग, तो मैं दिखाऊंगी जितना दिखा सकूंगी। उम्रे का शायद तो बिल्कुल भी नहीं दिखा पा, क्योंकि पहली नज़र की दुआ और पहली नज़र बार बार खुद को यकीन दिलाना पड़ा यार हाँ हो रहा है ये हो रहा है, बुला लिया अल्लाह ने। देखिए माशाल्लाह जो मैं बोल रही थी ना रोज़ा मुबारक, ये देखें ये रोज़ा मुबारक है माशाल्लाह से पूरा, ये सऊदी का 100 रियाल है जो ओमान के 10 रियाल बनते हैं। और फिर ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हरम शरीफ है। और ये देखें
ये तो नोट यहाँ पे नीचे फेंक ही नहीं सकते होंगे ना मम्मा, है ना? चलो आप हमारे नोटों पे इतना कुछ नहीं है। ये 50 वाला दिखाओ, 50 वाला। ये 50 वाले पे क्या है? ये मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे भी बताएं। भाई का तो क्या चक्कर है? मामा कह रही है चलो, कह रहे हैं मामा कहता है आप लोग जाओ, हम टैक्सी में आ जाएंगे। टैक्सी में चल यार, आखिरी 250 किलोमीटर है। हम लोग पूछ के कर लेंगे उमरा। बहुत लोगों पे मामा आने तो दो, सब लोगों को, इनको बस की टेंशन पड़ी। एक निवाला खाने के बाद कहती जा बस देख के खड़ी है कि नहीं, आते हैं ना। मेरी तंग करना, हमें साथ साथ में रहना है, नहीं करना। अब चलो तो सही, तानू पता लगेगा। चल उठ जाना मैं तो उसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह हमदिल्ला हमदिल्ला, ये है मिकात जहाँ पर करते हैं गुसल। गुसल कर लिए, भरम शरीफ की तरफ जाने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह, नोमी साहब आ गए। इसको मुझे लगता है इसको बांधना नहीं आया, इसको चलना नहीं आ रहा। बहरहाल व्लॉग इसलिए कर रही थी कि अब एंड करूँगी इंशाल्लाह। अभी उमरे के लिए जा रहे हैं और फिर मुझे नहीं, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा है इसको पकड़ने का। ऑल्दो आदत लगी हुई है बार बार फ़ोन निकालने की। अस्सलाम वालेकुम। चलें भाई, अब आपको पता नहीं कब मिलूंगी, देखूंगी जब भी कर पाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।